दोस्तों आज की वीडियो सभी CDS एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि आप कैसे 2024 में CDS रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करके अपनी अपनी ड्रीम अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हाउ टू क्रैक CDS एग्जाम इन 2024। देखिए CDSE रिटन एग्जामिनेशन में 3 सेपरेट पेपर्स होते हैं, जिसे एक दिन में ही 1 घंटे के गैप पर इंडिविजुअल पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, और आपको हर पेपर में 20% स्कोर करना होगा टू क्लियर इंडिविजुअल कट ऑफ ऑफ ईच सब्जेक्ट। इसको अच्छे से समझने के लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स के मार्क्स और रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। अगर कैंडिडेट 1 पेपर 1 2 एंड 3 में रिस्पेक्टिवली 40 15 एंड 35 स्कोर करता है, सिमिलरली कैंडिडेट 2 एंड कैंडिडेट 3 भी रिस्पेक्टिवली 50 19 एंड 60 और 65 20 एंड 40 स्कोर करता है, तो कैंडिडेट 2 के सबसे ज्यादा स्कोर करने के बाद भी वो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाएगा। वही कैंडिडेट 3 कंपैरेटिवली कम स्कोर करने के बाद भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उसने मिनिमम 20% हर पेपर में स्कोर किए हैं। रीडिंग 5 to 6 डिफरेंट बुक्स फॉर CDSE। देखिए आप CDSE एग्जामिनेशन के लिए या तो आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अप्लाई करते हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके पास 5 to 6 डिफरेंट बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं है। पर चलो मान लेते हैं कि आप 5 to 6 डिफरेंट बुक्स को पढ़कर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी क्या आप इतना सारा कंटेंट पढ़ भी पाओगे या फिर पढ़कर याद भी रख पाओगे? इट्स इम्प्रैक्टिकल, राइट? कोच फॉर CDSE। कोचिंग मतलब ट्यूटोरिंग, पर ये पर्सनल ट्यूटोरिंग के बजाय ये मास ट्यूटोरिंग होती है। आपको टॉपिक्स तो एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, पर उसको याद कौन करेगा? कौन प्रोवाइडेड क्लस्टर डेटा में से उसके नोट्स बनाएगा? देखिए आप कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं है जिसको कि ट्यूटोरिंग की जरूरत पड़े। क्या आपको सही में लगता है कि आपको ट्यूटोरिंग की जरूरत है? देखिए पर्सनल कोचिंग बिल्कुल हेल्पफुल होती है, पर मास कोचिंग कोई एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है फॉर एग्जाम लाइक CDSE। अगर आपको सब कुछ खुद से ही करना है तो क्यों ना टाइम और मनी को सेव किया जाए। इस तरीके से ना आप बस स्मार्टली प्रेपरेशन कर रहे होगे, बल्कि आपके पास पर्सनल फ्रीडम होगी जिससे आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग और ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कोचिंग द्वारा फोर्स स्ट्रेटेजी के कंपैरिजन में आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल होगी। वो दिन गए जब बच्चे सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स प्रैक्टिस करके जाते थे और इजीली एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्लियर कर जाते थे। सिलेबस हर साल इवॉल्व हो रहा है और टफ होते जा रहा है। अच्छे प्लानिंग के बिना एग्जामिनेशन हॉल में आप हेल्पलेस फील करोगे, और इस तरह से की गई प्रिपरेशन से आप CDS जनरल नॉलेज में 10 से 15 सवालों का जवाब भी नहीं दे पाओगे। इसलिए जरूरी है कि हम अल्टीमेट सीक्रेट्स की तरफ बढ़ें, और उससे पहले आप ओपन माइंडेड होकर वीडियो को पूरा देखें। आप बिल्कुल नहीं चाहते ना कि कोई भी अटेम्प्ट आपका बस ट्रायल पर वेस्ट हो जाए, तो चलिए CDS पेपर के कुछ सच जानते हैं और शुरू करते हैं पहले पेपर से, दैट इज इंग्लिश। पेपर 1 इंग्लिश। देखिए इंग्लिश पेपर लेंथी पेपर है, और अगर आपकी स्पीड क्वेश्चन सॉल्व करने की फास्ट नहीं है तो आप पक्का 20 क्वेश्चंस के अराउंड अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इंग्लिश में कुछ टॉपिक टफ हैं और कुछ इजी, और ओवरऑल इंग्लिश पैटर्न कंसिस्टेंट ही रहता है। तो चलिए इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉपिक्स और उसकी डिफिकल्टी लेवल को जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफिकल्ट, स्पॉटिंग एरर मॉडरेट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इजी, क्लोज टेस्ट इजी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मॉडरेट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस इजी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी, फिल इन द ब्लैंक्स इजी, प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स डिफिकल्ट, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस मॉडरेट, idioms and phrases difficult, antonyms and synonyms moderate। वैसे तो एग्जाम में हर टॉपिक्स में से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आप मिनिमम 5 क्वेश्चंस हर टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लकी रहे तो 10 क्वेश्चंस इजी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश एक स्कोरिंग पेपर है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखिए GK बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं होने वाला है, इसलिए आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप इंग्लिश में 60+ स्कोर करें। आपको सोने से पहले अपने इंटरेस्ट की फिक्शन बुक को पढ़ने की आदत डालनी होगी। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें याद करने जैसा कुछ नहीं होता है। जितना ज्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे, सोचेंगे, देखोगे, उतना बेटर फ्लो आपका डेवलप होगा। पर अब सवाल आता है कि CDSE के लिए प्रिपेयर कैसे करें? आपको सभी टॉपिक्स के प्रॉपर इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी। जैसे अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो आपको सबसे पहले टॉपिक को जिस तरह के इस इमेज में दिया गया है उस तरह से इसको समझना होगा। और काफी सारी ऐसी बुक्स हैं जिनके सिलेबस में इवन ये टॉपिक भी नहीं है, इसलिए ऐसे स्टडी मटेरियल को फॉलो करें जिसमें पूरे CDSE सिलेबस मौजूद हो। टॉपिक को समझो, सवालों को प्रैक्टिस करो, और देखो कि तुम इस टॉपिक के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो।
किसी भी बुक से प्रेपरेशन करो, बस ये याद रखें कि उसमें अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक होना चाहिए ताकि आपको रिवाइज करने का मौका मिले। अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आप अपने एग्जाम के दौरान पूरा पेपर गो थ्रू कर सको। आपका लक्ष्य कम से कम 80% पेपर अटेम्प्ट करने का होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ उन सवालों का जवाब देना चाहिए जिसमें आप पूरी तरह से श्योर हो, लेकिन ये इंग्लिश के केस में एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। ये जनरल नॉलेज पेपर के लिए तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन एक इंग्लिश जैसे स्कोरिंग पेपर में कम से कम 80% पेपर अटेम्प्ट करने की हमेशा एडवाइस कैंडिडेट्स को दी जाती है। पेपर टू जनरल नॉलेज CDS जी के एक बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है। क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से होते हैं और किसी भी टॉपिक का फिक्स वेटेज नहीं होता। कभी तो वॉर्स एंड बैटल्स पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वही कभी कभी पर्सनैलिटीज एंड प्रोमिनेंट फिगर्स पर। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है और स्मार्ट स्टडी एंड इम्पॉर्टेंट चीजों को मेमोराइज करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आप इसके बारे में काफी कुछ पढ़ सकते हैं, पर क्या ये कभी पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने या कौन से साल में की थी? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखें कि आपको इन सब्जेक्ट्स में PhD नहीं करनी है, बल्कि आपका एम है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद करके CDS एग्जाम क्लियर करना, जिसके लिए आपको इस तरह के स्मार्ट नोट्स की जरूरत होगी। इन दो पेजेस के स्मार्ट नोट्स की मदद से आप UPSC द्वारा अब तक पूछे गए सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। साथ ही जब आपके पास मैप्स होते हैं तो उससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाता है और आपकी टॉपिक की क्लैरिटी भी बढ़ जाती है। और कुछ इस तरह से ही आपको दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिफेंस और प्रैक्टिकल साइंस को कवर करना है। जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल साइंस देखें तो ऐसी कोई बुक नहीं है जहां डेली लाइफ साइंसेज के नोट्स मिल जाए। प्रैक्टिकल साइंस से काफी नोट्स पूछे जाते हैं, जैसे दीवार पर बाहर से कौन सा कलर करने से रूम गर्म या ठंडा होता है, शिप क्या फ्रेश वाटर में ज्यादा फ्लोट करती है या सॉल्ट वाटर में, साउंड दिन में ज्यादा सुनाई देती है या रात में, टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल होता है जिससे टूथ डिके प्रिवेंट हो। ऐसे नोट्स होने पर आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ दें और अपना टाइम सेव करें। मैं आपको एक बुक रेफर करने जा रहा हूं जिसका नाम है मिशन CDS। इसकी कॉपी आप मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon और Flipkart से ले सकते हो। इंडिया में मिशन CDS जैसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है, और अगर आप इस बुक से प्रिपेयर करते हो तो आपको और कोई कोचिंग या एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा GK के पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने से अच्छा है कि आप दूसरे एग्जामिनेशन के GK के पेपर सॉल्व करें, क्योंकि CDS में GK के क्वेश्चंस रिपीट हो ऐसा कम होता है। इसलिए आप 5000 प्लस MCQs भी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, जिसमें इन सभी टेस्ट से पूछे गए पिछले 20 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। पेपर 3 देखिए, पेपर 3 फीमेल कैंडिडेट्स और उन मेल कैंडिडेट्स को नहीं देना होता है जो बस OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप IMA, INA एंड AFA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वीडियो को ध्यान से देखें। मैथमेटिक्स काफी लेंथी पेपर है, और अगर आप इसको 10th एंड 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह सॉल्व करने जाएंगे तो 40 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपके पास 100 क्वेश्चंस के लिए बस 2 आवर्स होते हैं, मतलब अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहे तो आपको 1.2 मिनट में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। CDS मैथमेटिक्स ओवरऑल मीडियम डिफिकल्टी पेपर है, और अगर चैप्टर वाइज डिफिकल्टी एंड वेटेज की बात करें तो आप इस इमेज को रेफर कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हो। मैथ्स पेपर को टाइम पर सॉल्व करने के लिए बस एक ही तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करके जल्दी सॉल्यूशन फाइंड करना, जिसके लिए IMA, AFA, INA एस्पिरेंट्स CDS मैथ्स बाय DDE फास्ट ट्रैक विद शॉर्टकट ट्रिक्स ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू मेक योर मैथमेटिक्स पेपर अ कैट वॉक। वैसे ये मैथ्स मिशन CDS में भी है, तो अगर आप मिशन CDS लो तो आपको CDS मैथ्स बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है। मिशन CDS सारे टॉपिक्स पॉइंट टू पॉइंट कवर करता है और सभी चैप्टर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यह सिर्फ एक ऐसी बुक है जिसमें सभी टॉपिक्स के लिए मैप्स दिए गए हैं। एंड फाइनली, मैथ ट्रिक्स मेक्स दिस बुक अल्टीमेट गाइड फॉर CDSE। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।